अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे और यहाँ पे आपके ये काम भी बहुत आएंगे। ये कम्प्लीटली फ्री है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाँचों एक्सटेंशंस को मैंने खुद यूज़ किया हुआ है पर्सनली। यहाँ पर शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, क्योंकि मैं सारे एक्सटेंशंस को यहाँ पर आपको यूज़ करके भी बताऊँगा, ताकि आपको सारे एक्सटेंशन का प्रॉपर यूज़ भी समझ में आए। और वीडियो को छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना, लास्ट तक देखनी है इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको दो बोनस एक्सटेंशन भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। यहाँ पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सटेंशन मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्पीड टेस्ट बाई ऊकला। यहाँ पे आपने ऊकला का नाम तो सुना ही होगा और आप उनकी वेबसाइट भी ज़रूर से चेकआउट करते ही होंगे अपने इंटरनेट स्पीड को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको करना अब कुछ भी नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना, बस आपको उनका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आप ऑन द गो वन क्लिक पर अपनी इंटरनेट स्पीड को चेक कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि एक्सटेंशन आइकन पर क्लिक करके गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप अपनी पिंग, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है गूगल ट्रांसलेट। जी हाँ, इस फीचर को भी आप बखूबी जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप इसका एक्सटेंशन यूज़ ना करते हो। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेंच सेंटेंसेस खुले हुए रखे हैं। यहाँ पे डजेंट मैटर, कोई भी लैंग्वेज आप इसके साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने इसको हाईलाइट किया अपने कर्सर से, तो यहाँ पे आइकन शो हो रहा है जो कि है गूगल ट्रांसलेट का। यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ट्रांसलेट करके वो आपको बता देगा। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी आप दोनों लफ्ज़ों की या दोनों सेंटेंस की या दोनों पैराग्राफ की जो भी यहाँ पे हो मैटर नहीं करता, आप प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़े से और ऑप्शंस चाहिए, तो यहाँ पे जब आप हाईलाइट करें किसी भी लेफ्ट को या सेंटेंस को, तो यहाँ पे गूगल आइकन पे क्लिक नहीं कीजिएगा, बल्कि राइट क्लिक करके गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये गूगल ट्रांसलेट के पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आप कुछ लैंग्वेजेस चेंज भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। हिस्ट्री, सेव्ड, कम्युनिटी वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सटेंशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है गूगल कीप क्रोम एक्सटेंशन। ये एवर नोट या नोट्स की तरह काम करता है। यहाँ पे जब आपको URLs, images या टेक्स्ट को सेव करना हो, तो ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा काम लगता है। आपको ये एक्सटेंशन यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है जो कि किसी इशू की वजह से ओपन नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैं इसका URL सेव करना चाहता हूँ फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करना है, तो इसका URL ऑटोमेटिकली इसने सेव कर दिया है यहाँ पे। बाकी आप कुछ नोट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ कि ये ऑनलाइन लोगो मेकर वेबसाइट है। यहाँ पे आप लेबल दे के भी कुछ यहाँ पे सेव कर सकते हैं इसको, या तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसका दूसरा यूज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब की या कोई भी दूसरी वेबसाइट हो, यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो चलाई है, तो यहाँ पे इस वीडियो का URL भी आप सेव करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ये URL सेव हो चुका है। बाकी सारे नोट्स भी अगर आपको लेने हैं या तो आपके वेब पेज में आपको दूसरा कुछ चीज़ें भी कॉपी करनी है, तो यहाँ पे अब अगर आप जैसे कि टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप कॉपी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप फिर से कीप पे आएंगे, तो यहाँ पे सारे जो टैग्स है वो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि कीवर्ड्स फॉर SEO, और यहाँ पे भी मैं इसको लेबल भी दे देता हूँ। चलिए कीवर्ड्स का यहाँ पे मैं पहले से कीवर्ड्स का जो लेबल है वो क्रिएट कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं लेबल्स। जैसे कि SEO का लेबल भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। यहाँ पे जो आइकन है ओपन इन की, इस पे जाते हैं और देखते हैं फिर कि आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे
आपको सारे जो आपने अभी तक जो नोट्स लिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सारे अपने नोट्स को व्यू कर सकते हैं यहाँ से, बाकी आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत कस्टमाइजेबल ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप गूगल डॉक्स पे भी कॉपी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे जो भी आपने डिलीट किए हो हुए हो उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट फॉर एवर भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेबल्स वगैरह भी आप एडिट कर सकते हैं, रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं कि इस वक्त आपको ये URL या ये इमेज या ये टेक्स्ट आपको चेकआउट करना था। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप इसे सही मानों में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आज के हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन की तरफ, जो कि है मिडनाइट लिजर्ड। यहाँ पे अगर आपको कस्टमाइजेबल कलर स्कीम्स या कुछ थीम्स में अपनी वेबसाइट को व्यू करना अच्छा लगता है तो ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही। यहाँ पे ये आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एनहेंस करेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक विकिपीडिया की साइट खुली हुई है, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टॉगल बटन जो आ रहा है वो बस ऑन कर देना है। तो जो कलर स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो चुकी है और आप आराम से अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप कस्टमाइजेबल थीम्स अपनी बना सकते हैं, फुली कस्टमाइजेबल। आप बैकग्राउंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बटन्स जो आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पे वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टैक्स, लिंक्स, बॉर्डर्स, इमेजेस सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक के स्क्रॉल बार्स भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, जो भी आप व्यू कर रहे हो। बाकी यहाँ पे कुछ कलर स्कीम्स बनी बनाई भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पे आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को उस कलर स्कीम में व्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतरीन है आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो आपका सर्फिंग एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा उसको। तो चलिए अब चलते हैं आज के हमारे आखिरी एक्सटेंशन की तरफ, जो कि है मैजिक एक्शंस फॉर YouTube। अगर आप मेरी तरह YouTube देखते हैं तो आपको ये एक्सटेंशन डेफिनेटली पसंद आएगा और ये एक्सटेंशन आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव कर देगा। यहाँ पे जो कुछ बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, तो मैं थोड़े बहुत फीचर्स आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे YouTube खोला हुआ है, तो सबसे जो बड़ा जो मेजर फीचर आपको यहाँ पे देखेगा वो है यहाँ पे ये थंबनेल एक्सपेंड कर देता है और आप जो वीडियोस देखना चाहते हैं या वीडियोस आपको दिख रही है उसका बेटर व्यू ले सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक टॉगल बटन दिख रहा होगा, जिसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फेवरेट मोड है लोगों का। यहाँ पे आप कुछ और फीचर्स भी देख लेते हैं, तो हम अपनी वीडियो चला लेते हैं क्योंकि कॉपीराइट का हमें कोई सीन वगैरह नहीं करना है यहाँ पे, तो हम ये वाली वीडियो चला लेते हैं और कुछ इसके हम मज़ीद फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा कि अगर आपने माउस को अपने वीडियो के ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ पे आप वॉल्यूम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे इसका वॉल्यूम अप डाउन होता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप नीचे गए तो यहाँ पे आपको कुछ और इसके फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्नैपशॉट ले सकते हैं आप इसकी। यहाँ पे अगर जैसे कि ये आपको सीन अगर स्नैप लेना है तो आप डायरेक्टली स्नैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका स्नैपशॉट देखने को लिए मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप वगैरह आप बदल के इसको आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे फीचर्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको अप्लाई मैजिक ट्रांसफॉर्म जैसे कि ऐसे कुछ फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप अपना व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे इस पर तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा। यहाँ पे हाई कंट्रास्ट फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया है। ये कुछ फिल्टर्स है जो आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फिल्टर आपको पसंद आए उस फिल्टर में आप अपनी वीडियो को व्यू कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये भी रीसेट आ जाएगा। ये जो रिपीट का जो फीचर है, जो लूप का आपको फीचर मिल जाता है, ये वही है। बाकी यहाँ पे आपको एक्सपेंड का फीचर मिल जाता है, ये वही काम करता है जो यहाँ पे आपका थिएटर मोड करता है। यहाँ पे सिनेमा का एक फीचर है जो कि मुझे अच्छा लगा है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो YouTube पे यहाँ पे आपको सिनेमा इफेक्ट देके ये मूवीज़ आपको दिखाएगा, जैसे कि थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं साइडों पे ये ग्लोइंग इफेक्ट आप देख
सकते होगे वीडियो में, तो ये अच्छा लगता है। अगर आप कोई अच्छी सिनेमैटिक मूवी देख रहे हो तो उससे आप उनका पेज फॉलो कर सकते हैं, या ऑप्शंस में जाके मैं आपको कुछ और फीचर्स जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आप जाके अपने जो फीचर्स वगैरह है, जो ऑप्शंस वगैरह है, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम आप स्क्रॉलिंग माउस व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके बताया। यहाँ पे आप अपने जो रेजोल्यूशन है वो भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1080p मैंने सेट किया हुआ है। जब भी मेरी कोई वीडियो चलेगी तो वो ऑटो पे नहीं चलाएगा, 1080p पे चलाएगा। यहाँ पे आप प्लेबैक स्पीड भी यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं, तो जैसे ही आपकी जो वीडियो चली हो वो नॉर्मल स्पीड में ना चले, वो 1.25 या जिस भी आप प्लेबैक स्पीड को सेट करना चाहते हैं उस प्लेबैक स्पीड में वो चले। यहाँ पे सिनेमा और एक्सपेंड वगैरह के ऑप्शन जो कि मैंने आपको चला के भी बताया है। यहाँ पे स्टॉप ऑटो प्ले, तो हाँ आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं ये। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर आपको मिल जाता है जो कि स्पीड बूस्टर, यहाँ पे न्यू फीचर ये डाला है हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या करता है कि आपकी वीडियो की प्री लोडिंग या बफरिंग जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ये चेक तभी कीजिएगा जब आप, अगर आप घर में अकेले हो और आप सिर्फ यूट्यूब देख रहे हो, कोई दूसरा कोई इंटरनेट यूज़ ना कर रहा हो, या तो आप कोई दूसरा काम ना कर रहे हो जिसमें इंटरनेट यूज़ होता हो, क्योंकि ये पूरी जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो वीडियो बफरिंग में लगा देगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सटेंशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वेट वेट कहाँ जा रहे हैं, अभी तो बोनस के दो एक्सटेंशन अभी भी बाकी है। तो चलिए फिर से चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और उन दो बोनस के एक्सटेंशन को भी आप देख ही लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम के है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सटेंशन है बोनस के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ग्रामरली फॉर क्रोम। तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट के ईमेल्स, लेटर्स वगैरह लिखते हैं या ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेलिंग्स है, ग्रामर मिस्टेक्स है और पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक है वो ये ऑटोमेटिकली खुद ही करेक्ट कर सकता है। ये कभी कभी सही से काम नहीं करता, तो इसलिए इसका प्रीमियम वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप रोज़ की बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, लेटर्स वगैरह लिखते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फुली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको प्रीमियम वर्जन जो है वो बाय कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम जानबूझ के यहाँ पे करते हैं, तो देखते हैं अब ये कैसा काम करता है। टू माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ये वो बता रहा है, और यहाँ पे स्पेलिंग सही है लेकिन यहाँ पे ये एल मैंने कैपिटल लिख दिया था तो ये बता रहा है। यहाँ पे हेलो को ये सही इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हेल समझ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे ये सही से काम नहीं कर पाता क्योंकि ये इतना एडवांस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मिस्टेक यहाँ पे बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी जगह कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ये भी आप सही कर सकते हैं। बाकी अगर इसका प्रीमियम वर्जन ख़रीद ले तो यहाँ पे आपको जो ये एडवांस फीचर्स में से बता रहा था पंक्चुएशन का वो भी यहाँ पे वो खुद सही कर देगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप पोस्ट की ईमेल्स या लेटर्स वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा बोनस का एक्सटेंशन है वो ये है वीवा हाईलाइटर PDF एंड वेब। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका प्रो वर्जन भी ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये असाइनमेंट्स वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स में से हाईलाइट करके अपने नोट्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करना है, आप दूसरी वेबसाइट पे गए फिर आपको ये हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे हाईलाइट के साथ साथ आप यहाँ पे नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नोट ले सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस है और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप जाके नोट ले सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नोट जो है वो खुल जाएगा, जैसे कि ये लास्ट सेंटेंस है, और फिर आप इन सारे सेंटेंसेस को मिला के अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे माय रिसर्च फोल्डर में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपने जो जो नोट्स लिए है वो आपको सब दिख जाएंगे जो मैंने भी
वह पहले कोई हाईलाइट किए हैं तो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो हाईलाइटेड है वो आ रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं सिंपली। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसका भी प्रीमियम वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, $4 का पर मंथ। अगर आपको मंथली जो है वो असाइनमेंट्स मिलते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इन सारे एक्सटेंशन में से आप ज़रूर से कोई ना कोई एक्सटेंशन तो ट्राई आउट करेंगे ही। अगर इन सारे एक्सटेंशन में से आप कोई एक्सटेंशन अभी यूज कर रहे हैं इस वक्त, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। उस एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्टेंट लाने में। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।